Hello friends, I am Amin Chaudhasia. Welcome to St. Michael's e-learning classes. आज हम लोग वर्ग 4 के हिंदी के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे और उसमें कही गई बातों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इस अध्याय का शीर्षक क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, हमारे अध्याय का शीर्षक अभ्यास का महत्व है। अभ्यास का महत्व, ये एक अपने में ही बहुत बड़ा क्या बोलते हैं हम उसको कि शब्द है। ठीक है, क्यों अभ्यास का महत्व होता है? जैसे जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तो हमें चलना नहीं आता। जब हम मतलब 1 साल के करीब में होते हैं तो हमें चलना नहीं आता, तो हमारे माता और पिताजी हमें क्या करते हैं, चलना सिखाते हैं। तो वो कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे माँ बन के चलते हैं। माँ मतलब घुटने के बल पर चलते हैं। फिर उसके तत्पश्चात हम लोग किसी न किसी चीज का सहारा लेकर खड़े होने का प्रयास करते हैं। ठीक उसके तत्पश्चात हम लोग अपने पैरों पर धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये कैसे होता है? ये हमारे अभ्यास के कारण ही होता है। और उस समय हम इस जो भी प्रक्रिया है उसको समझ नहीं पाते हैं कि हमने इसका अभ्यास कब किया। ठीक है, तो अभ्यास का महत्व हमारे मूलभूत जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे हमें उसका महत्व, उसकी महत्व के साथ साथ उसकी जरूरत भी समझ में आती है कि हम अभ्यास जो कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, वो हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, तो इन सब बातों के बाद अब हम अपने मूलभूत अध्याय पर चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय में अभ्यास का महत्व किस चीज़ को बोला गया है, किस बारे में बात की गई है इस अभ्यास के महत्व में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ की भूमिका को समझते हैं। इस पाठ में किस तरह की भूमिका है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, किस तरह से आगे हम लोगों को इस अध्याय में इस पाठ में पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। इंसान अगर लगातार कोशिश करे तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे विद्यार्थी की कहानी है जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, परंतु एक छोटी सी घटना उसके जीवन को बदल देती है और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब इंसान लगातार कोशिश करता है तो क्या करता है, कठिन से कठिन कार्य को संभव कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि अगर मतलब जब बच्चा होता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो उन लोगों को चलना नहीं आता। ठीक है, ठीक, इसी सब में एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप बड़े हो जाते हैं तो जब आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो क्या आप अचानक से साइकिल चला लेते हैं? नहीं, आप निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं कि साइकिल कैसे चलाना है, पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। उस सारी प्रक्रिया को पार करते हुए आप साइकिल चलाना सीख पाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, ठीक है, वैसे इस पार्ट में भी बोला गया था। उसके बाद अब हम लोग इसमें इस अध्याय के मुख्य जो भाग है उस पर आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम में भेजा करते थे। ये कहानी मतलब बहुत साल पहले की, मतलब प्राचीन है। ठीक है, बालक भरतराज कौन है? बालक वरदराज 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने
उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। ठीक, कौन है इस कहानी में? ठीक है, बच्चे का नाम क्या है? वरदराज। ठीक, तो वरदराज जब 5 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष की आयु बहुत छोटी होती है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन उसके पिताजी क्या किए, उसको एक आश्रम में भेजे इस चीज के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे आज आप लोग विद्यालय में आते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ठीक वैसे ही पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चे गुरु के पास जाते थे अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। आश्रम में गुरु जी ने अन्य बालकों के समान ही वरदराज को भी पढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे कि अब कोई बच्चे नया क्लास में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सब बच्चे हैं ठीक वैसे ही हम उनको भी क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार वरदराज आश्रम में रहा था लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास में आते जरूर हैं, ठीक है पढ़ाई होता है पढ़ते जब, लेकिन उनका मन कहीं और रहता है। जैसे कि अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनका मन घूमने का होता है, अगर वो किसी कारण से घूमने नहीं गए तो अगर अगले दिन वो कक्षा में आए या विद्यालय में आए तो उनका दिमाग वही रहता है कि हम भी जाते तो घूमते, हम भी मेला जाते तो हम झूले में बैठते, तो ये क्या होता है, एक विचार उत्पन्न होता है। ठीक, गुरु जी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा लेकिन उसे कुछ भी समझ ना आता था। गुरु जी ने क्या किया, तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा। जैसे अगर कोई बच्चा नहीं समझता तो उसको क्या करते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, उसे कोई बहाना देकर समझाते हैं ना। ठीक, उसी तरह उसे वो याद ही रह नहीं पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रमवासी बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। अब आश्रमवासी का मतलब क्या हुआ, आश्रमवासी मतलब हुआ आश्रम में रहने वाले या वाला। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे, उसकी ऐसी स्थिति हो गई, देखो उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रम में रहने वाले बच्चे उसे मंदबुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला या जो किसी चीज को जल्दी सीख ना सके, ठीक कहकर चिढ़ाने लगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बीतते, इसी तरह क्या हुआ, यह प्रक्रिया चलते रहा। ठीक है, गुरु जी उसके शिक्षा देते रहे लेकिन वो सीख नहीं पाया और उसके मित्र क्या किए, उसके आश्रम में रहने वाले आश्रमवासी उसे चिढ़ाने लगे। धीरे धीरे उसके सहपाठी उसे आगे बढ़ते गए। अब सहपाठी का मतलब क्या हुआ, साथ पढ़ने वाला। ठीक है, जैसे आगे आपके स्कूल में क्या होता है, मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक उसी तरह पहले क्या होते थे, सहपाठी होते थे, साथ पढ़ने वाला। उससे आगे बढ़ते पर वरदराज वहीं कम, वह कुछ भी विशेष सीख ना सका। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वो तो आगे बढ़ गए, ठीक है, जो बाद में आए वो भी उसे पीछे छोड़ आगे निकल गया। मतलब इस बालक में ये बुद्धि नहीं आई थी, ठीक है, कि वो पढ़ सके। ठीक, और जैसे कि उसके साथ साथ, जैसे कि मैंने भी बताया कि उसके साथ पढ़ने वाले भी उससे आगे निकल गए और उससे जो जूनियर है, कहने का था पढ़े है कि जो उनसे छोटे हैं, वो भी उसके साथ पढ़कर वो भी उसके किए आगे निकल गए। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा, इसको जानने की कोशिश की, अब हम आगे देखते हैं। एक दिन गुरुजी भी हार मान गए। अब जैसे देखिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये मैं तो नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ। अगर जब स्कूल खुले और तब भी आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है, फिर नहीं पढ़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी थोड़ा सा ये हो जाऊँ कि चलो भाई इतना मेहनत किए कोई कुछ दिखाई नहीं, कुछ समझाई नहीं, तो क्या फायदा, क्या करेगा। ठीक, तो ये क्या होता है, मन में भावना उत्पन्न होती है, ठीक, कि जब कोई कार्य कोई अच्छे दिल से सच्चे दिल से करता है, ठीक है, और सामने वालों से ना समझे तो क्या करते हैं, तंग आकर क्या करते हैं, अरे छोड़ो भाई
नहीं करना, नहीं करेगा। ठीक, तो ठीक उसी तरह क्या हुआ, गुरुजी बिहार में निराश होकर उन्होंने वरदराज से कहा, बेटा वरदराज मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, जितना पढ़े तुम मुझे करना था, अब यहाँ पढ़े तुम मतलब क्या है, कोशिश। ठीक है, यहाँ पढ़े तुम मतलब क्या है, कोशिश। ठीक है, जितना प्रयत्न मुझे करना था उतना मैंने किया, पर मुझे लगता है कि विद्या धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। कौन बोलता है, गुरुजी बोलते हैं। किससे बोलते हैं, अपने शिष्य वरदराज से बोलते हैं कि बेटा मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब कोई बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है तो शिक्षक या फिर माता पिता क्या बोलते हैं, तुम्हारे बस में पढ़ना लिखना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसकी पुरानी प्रक्रिया को देखकर, उसके पुराने व्यवहार को देखकर यह बात कहते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार गुरु जी ने वरदराज को यह बात कही। ठीक है, मुझे लगता है कि विद्याधन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। ठीक है, जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो क्या होता है, इसके भाग्य विद्या है ही नहीं। ठीक है, उससे अच्छा तुम क्या करो, घर का कोई काम काज करो, या हम बोलते हैं या फिर बड़े भी बोलते हैं, हमारे घर में ही बोला जाता है, आपके घर में बोला जाता है, जब कोई गुस्सा में हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अरे पढ़ना भी ना छोड़ो कोई काम करो बोलते हैं ना, आपने भी सुना होगा कभी अपने माता पिता के मुँह से। ठीक है, तो ऐसा होता है। वरदराज असमंजस में पड़ा, असमंजस मतलब उलझन, क्या हुआ, वरदराज उलझन में पड़ा, गुरु जी के मना करने के कारण उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। जैसे अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है तो ये बताइए, अंधकार में लगने लगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि अगर जब आपके टीचर या आपके माता पिता ही आपको बोलने लगे तो आपको भी मन में ग्लानी होती है, एक ठेस पहुँचता है कि अरे जब वो बोल दे तो ऐसा होता है ना, ठीक उसी तरह। ठीक है, उसे यह चिंता भी सताने लगी, घर लौटने पर उसके पिताजी क्या सोचेंगे। ठीक है, उसे यह चिंता क्या होने लगी, उसे यह चिंता होने लगी घर लौटने पर उसके पिताजी क्या सोचेंगे। ठीक, गांव के लोग भी उसे मूर्ख महामूर्ख कहकर धुतकारेंगे। वरदराज करता भी तो क्या करता, देखिए अब जैसे उसको घर जाने की अनुमति मिली या तुम घर जाओ अपने घर का काम काज करो, तो उसे क्या हुआ, ठेस पहुँचा, ठेस पहुँचा, उसे अपना भविष्य क्या लगने लगा, अंधकार में लगने लगा, मतलब अंधेरा लगने लगा कि आगे मेरे लिए कुछ है ही नहीं, जब मेरे गुरुजी ने मुझे मना कर दिया तो फिर मेरी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये उसे ऐसा लगा। फिर वो क्या सोचने लगा कि मेरे पिताजी जो हैं वो क्या सोचेंगे कि मैंने इतने साल जो बर्बाद किए हैं उसके बारे में वो क्या सोचेंगे, मेरे गांव के लोग मुझे धुतकारेंगे, धुतकारेंगे ना। ठीक है, महामूर्ख बोलने लगेंगे, मूर्ख बोलने लगेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। उसने अपना सारा सामान समेटा, गुरु जी के चरण छुए और वह भारी मन से विदा हुआ। वह उदास होकर अनमने भाव से चले जाता है, अनमने मतलब बिना मन के। जैसे होता है ना कि अगर हमें मन नहीं है तुम्हें बोला, हमें अगर मन नहीं है लेकिन फिर भी हमें बोला गया कि नहीं तुम ये काम करो, तुम क्या करते हैं, बस करते हैं, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। जैसे आज अगर हमें स्कूल आने का चेष्टा नहीं है या फिर इच्छा नहीं है तो अगर हम आज स्कूल आते भी हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं या फिर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक, तो क्या हो, ये अनमने भाव से हुआ कि बस आ गए हैं, उपस्थिति दर्ज करा दी है हमने। ठीक है, लेकिन हमारा मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है। ठीक, घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था, कहाँ आए कहाँ जाए क्या करे उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब जैसे वो क्या किया, जो वरदराज है वो क्या किया, गुरु जी के पांव को छूकर वहाँ से विदा ले लिया। विदा होने के बाद वो यह सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। ठीक है,
समझ में कुछ आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसका कोई और ठिकाना नहीं था, उसे अपने घर ही वापस जाना था। वह सवेरे चला था और जब दोपहर को आई थी, रास्ते में खाने के लिए गुरु जी ने उसे थोड़ा सा दूध दिया था। ठीक है, जब हम लोग दूर सफ़र करते हैं तो हमारे जो बड़े लोग होते हैं या फिर हमारे मम्मी पापा होते हैं, वो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध कराते हैं ना। ठीक उसी तरह उसे गुरु जी ने उसे क्या दिया था खाने के लिए? थोड़े सत्तू दिए थे। उसे भूख प्यास लगाए थे। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने से रस्सी की रगड़ में कुएं की जगत पर निशान पड़ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ जगत का मतलब क्या हुआ? जगत मतलब कुएं का किनारा। जब हम लोग कुएं से रस्सी खींचते हैं तो वहां किनारा टूटता है, टूट जाता है, टूटता है ना, आप लोगों ने देखा हो। ठीक, मिट्टी के घरों को रखने से जमीन पर गड्ढे पड़ गए। यदि से वृद्धराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह पहुंच गया। क्या हुआ? बहुत सारे बातों मुख्य बातों को छोड़कर हमें कभी कभी कोई सुझाव बहुत छोटी छोटी बातों से मिलती है। ठीक उसी प्रकार वृद्धराज को भी क्या हुआ? बहुत छोटी सी बात से उसको एक सीख मिली। क्या मिली? अब आगे देखते हैं। उसने विचार किया कि जब रस्सी की बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकती है, तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता? क्या विचार किया? उसने विचार किया कि जब रस्सी की रगड़ खाने से बार बार कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या मैं अगर परिश्रम करता हूँ तो क्या मैं विद्वान नहीं हो सकता? ठीक है, उसकी सोच यहाँ थोड़ी सी बदली। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है इस कहानी में। तो आगे बस फिर क्या था, वरदराज के मन में आशा की किरण लगी। वह गुदगुदाने लगा, मैं भी लगातार परिश्रम करूंगा, अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूंगा और उन्हें याद करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती है। फिर क्या था? वह मन में गुदगुदाने लगा और अपने आप से कहने लगा। क्या कहने लगा? कि मैं लगातार परिश्रम करूंगा, अपने पाठों को मन लगाकर पढ़ूंगा और उन्हें याद करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती है। वरदराज ने कुएं पर हाथ मुंह धोया और गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। अब वो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त था, इतना कि उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं रही। वह तेज कदमों से चल रहा था। अब वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। वह घर की ओर नहीं बल्कि आश्रम की ओर लौट चला। क्या हुआ? जब उसे यह सुझाव आया तो उसका मन क्या हुआ? बदल गया। उसे ऐसा लगा कि जब रस्सी की रगड़ से कुएं की जगह ठीक है निशान पड़ सकते हैं, तो अगर मैं बार बार परिश्रम करूँ तो मैं विद्वान क्यों नहीं सकता? तो ये एक छोटी सी घटना क्या हुआ, वृद्धराज के मस्तिष्क में बैठ गए, उसके मन को विचलित करने लगे। ठीक है, ठीक उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। ठीक है, फिर से प्रयास करने की प्रेरणा मिली। समझ में आया? ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सूर्यास्त होने को था, गुरुजी आश्रम की वाटिका में टहल रहे थे, तभी उन्होंने वृद्धराज को आते हुए देखा। उन्हें लगा कि शायद आश्रम में कुछ छूट गया हो जिसे लेने वो लौटा है। जब हम किसी को विदा कर देते हैं, अगर फिर से वो वापस आता है तो उन्होंने क्या सोचा, अरे कुछ छूट गया होगा तो आया होगा लेने। ठीक है, ऐसा होता है ना बहुत बड़ा सा होता है, जैसे आप लोग ही स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं और अचानक से आप फिर वापस घर आ जाए तो माता पिता को क्या लगता है, अरे कुछ कॉपी छूट गए होंगे या फिर कुछ बुक्स छूट गए होंगे, उसको लेने में चला आया होगा। तो वरदराज के गुरु जी को भी क्या लगा कि कुछ वस्तु उसकी छूट गई होगी, उसे लेने वापस लेने वो आया होगा। ठीक, वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, हाँ गुरुजी मेरी विद्या यहीं छूट गई, जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मैंने निश्चय किया है
कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा, अब कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं दूंगा। क्या कहा वृद्धराज ने? इसे कहा अपने गुरु जी से, नम्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत सलामी से कहा, ठीक कि हाँ मेरी विद्या ही छूट गई है, मैं अब निरंतर प्रयास करूंगा, ठीक है, पूरी लगन और परिश्रम के साथ क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा, ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी क्या हुई आंखें भी खुल गई कि बिना परिश्रम किए, ठीक है, उसे क्या हो ख्याति प्राप्त नहीं हो सकती है, वह विद्यमान नहीं हो सकता। गुरु जी का दिल पसीज गया, दिल पसीज जाने का मतलब क्या होता है, दया, ठीक, दिल पसीज जाने का मतलब क्या होता है, दया, ठीक है। उन्होंने वरदराज को गौर से देखा, उसकी आंखों में चमक आई, ठीक, गुरु जी ने इतना बड़ी कहा, तुम जो कुछ कर रहे हो यदि उसे करके दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जब कोई बच्चा गलती करता है, ठीक है, घर में या फिर स्कूल में या फिर कहीं भी, तो अगर वो माफ़ी मांगता है तो क्या होता है, दिल पसीज जाता है, लगता है कि चलो इसे माफ़ कर देते हैं, फिर या फिर दया आने लगता है, तो इसी प्रकार क्या हुआ गुरु जी को भी दया आने लगा। वरदराज ने पढ़ाई का प्रारंभ की, अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ गुम हुई, वह देर रात तक पढ़ता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता, वो अपना एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाता। अब यहाँ क्षण का मतलब क्या है, क्षण का मतलब पल, अपना एक पल भी क्या होता है बेकार नहीं करता, ठीक है। उसने दिन रात एक करके कर दिए, इसका प्रभाव यह हुआ कि पहले पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन लगता था, वह वहीं सरल लगने लगा। गुरु जी और अन्य बालक वरदराज ने इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हुए। परिवर्तन मतलब बदलाव, क्या हुआ दिन रात क्या किया, मेहनत करता था, अपना समय क्या करता था बिना मतलब का बेकार नहीं करता था, सुबह सबसे पहले उठता था, रात में रात तक पढ़ता था, ठीक है, जो चीज जो पाठ उसे याद करने में पहाड़ जैसे महसूस होता था, अब वो क्या हुआ बहुत उसे आसान लगने लगा। क्यों आसान लगने लगा, क्योंकि वो निरंतर प्रयास करता था, ठीक, और अपना परिश्रम बहुत बखूबी करता था, लगन के साथ करता था, ठीक है। अब वरदराज की गिनती प्रतिभावन बच्चों में होने लगी, प्रतिभावन का मतलब उन्हार बच्चों में होने लगी। अचानक से क्या हुआ, अब उसकी गिनती क्या हुआ प्रतिभावन बच्चों में होने लगी, मतलब उन्हार बच्चों में होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि वह अपने को मेहनत करने लगा, अपना परिश्रम बहुत ही लगन पूर्वक करने लगा, ठीक है। उसे यह समझ में आने लगा कि परिश्रम और लगन के साथ अगर कोई भी कार्य किया जाए तो वो असफल नहीं हो सकता है, ठीक। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का ही चमत्कार था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम कोई कार्य अपने कठोर परिश्रम या फिर कठोर मेहनत से करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं, तो वो कार्य बेकार नहीं जाता है। जानते हो यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। एक टाइम था जब वरदराज पढ़ता नहीं था, ठीक है, उसे कुछ समझ तक नहीं आता था। 5 साल बीत गए फिर भी वो जस का तस ही रह गया था। और एक टाइम था जब वो संस्कृत का क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ और बहुत ही ख्याति प्राप्त की। ऐसा क्यों हुआ, एक छोटे से घटना पर हुआ। वो घटना क्या था, कुएं की रस्सी की रगड़ से कुएं का किनारा टूट गया, ठीक है, समझ में आया। तो जब वो सोचा कि अगर रस्सी की रगड़ से कुएं का किनारा टूट सकता है तो मेरी लगातार परिश्रम और कठोर परिश्रम और पूरी अगर पूरी लगन से परिश्रम करता हूँ तो क्या मैं विद्वान नहीं हो सकता, ठीक है। संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान पाणिनि के बाद वरदराज का ही नाम आता है।
संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान कौन है? संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान पाणिनि, ठीक है। उसके बाद किसका नाम आता है? किसका नाम आता है? वरदराज का नाम आता। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय को पढ़ा और इसके समझने की बहुत हद तक कोशिश की, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को जो भी मैंने पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से बहुत शांत मन से सुनेंगे, ताकि आपको इस अध्याय के मूलभूत बातों का पता लगेगा कि इस अध्याय में किस तरह की कहानी को पेश किया गया है, ठीक है। इस अध्याय के पढ़ने के बाद अब हम लोग इसकी कुछ शिक्षा बताते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा ये मिलती है कि छोटी छोटी घटनाओं से सीखना। जैसे इस अध्याय में हमने देखा कि वृद्धराज एक बहुत छोटी घटना से उसे सीख प्राप्त हुई और वो अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चला गया, कभी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। तो ठीक वैसे ही हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों से या फिर छोटी छोटी घटनाओं से सीखना चाहिए, ठीक है। उस छोटी छोटी घटनाओं को समझना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, उसे सीख बनाकर अपने जीवन को भली भांति और आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करना चाहिए, ठीक। दूसरा शिक्षा क्या है? सतत प्रयास, मतलब कि लगातार प्रयास करना चाहिए। अगर एक बार हम विफल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अगली बार भी विफल हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा किसी इच्छा में फेल हो गया है तो क्या वो हर बार फेल होगा? ऐसा नहीं है। अगर वो निरंतर प्रयास करेगा, अपने गृह कार्य को पूर्ण रूप से करेगा, कक्षा में बताए गए बातों को ध्यान से सुनेगा और अपना प्रयास करेगा, अपनी कठोर परिश्रम करेगा, तो क्या वो प्रथम नहीं आ सकता है? जरूर आ सकता है। तो ये किस कारण से हो सकता है? तो हमारे दूसरे शिक्षा जो कि सतत प्रयास से हो सकता है, जो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। तीसरा शिक्षा क्या मिलता है? ज्ञान चेतना को जगाना, मतलब अपने आप को विकसित करना कि हमें क्या करना है, अपने अंदर एक ज्ञान की भावना को जगाना कि हम किस चीज़ से क्या सीख सकते हैं, ठीक है, समझ में। तो ये इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय से हमें ये मुख्य तीन शिक्षा प्राप्त होती है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यह अध्याय बहुत ही परिपूर्ण तरीके से समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने हिंदी की कॉपी में पूर्ण रूप से लिखें और अच्छे से साफ साफ लिखावट अपने रिकॉर्ड पर ध्यान देते हुए इसे बिना अशुद्धियों के साथ लिखने का प्रयास करें, ठीक। आगे की कक्षा में हम लोग इसके मौखिक कौशल और लिखित कौशल पर ध्यान देंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जो अभ्यास हैं उसे हम लोग जानेंगे, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, अपने स्कूल के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन दबाते रहें। धन्यवाद।